ऑटोमोबाइल मार्केट में हॉट सेलिंग मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एक नया सेकेंड जनरेशन विटारा ब्रेजा इंडियन मार्केट में जल्दी एंट्री लेने वाली है। पूरा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट कार रिव्यू में, जहां आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले मारुति सुजुकी की दी मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट सेलिंग मस्कुलर एसयूवी मारुति विटारा ब्रेजा एसयूवी कार के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आपसे मारुति सुजुकी की सेकेंड जनरेशन विटारा ब्रेजा से जुड़ी तमाम अपडेट आपसे मिस ना हो। और आपको कोई भी स्मार्ट कार की रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल स्मार्ट कार रिव्यू को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो दोस्तों 2020 में मारुति सुजुकी ने अपनी विटारा ब्रेजा का ऑटो एक्सपो में फेसलिफ्ट वर्जन शोकेस किया था, जिसमें नॉर्मल कॉस्मेटिक चेंजेस और वही सेम इंटीरियर के साथ ब्रेजा को लॉन्च कर दिया गया था। एट द सेम टाइम विटारा ब्रेजा के साथ जो थे यानी एसयूवी के मार्केट में एसयूवी विटारा ब्रेजा को जो टक्कर देने वाले एसयूवी थे, वो नए और काफी बेहतरीन फीचर्स के साथ इंडियन मार्केट में सेलिंग कार, काफी अच्छी सेलिंग कार बनती रही। बट मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा जो है वो सेम फीचर्स के साथ आती रही, जिसमें इसके सेलिंग पर भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा। और जहां पहले ये कार लॉन्च हुई थी तो इंडियन मार्केट में 15 से 16 लाख यूनिट एक महीने में बिका करती थी, वहीं अब 10 से 11 हजार वो नीचे आ गई है। तो इसी बात को मारुति सुजुकी ध्यान में रखते हुए मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा का सेकेंड जनरेशन लॉन्च करने की तैयारी में है, जो कि फेसली मॉडल नहीं होगा। ये एक ऑल न्यू विटारा ब्रेजा होगी जो मारुति ग्रैंड विटारा के मॉडल पे बेस्ड होगी। मारुति ग्रैंड विटारा अपने टाइम में काफ़ी बढ़िया कार थी और आप लोगों में से काफ़ी अच्छी तरीके से इस कार को जानते भी होंगे। तो विटारा ब्रेजा उसके ऊपर बेस्ड है और इस कार को जिनेवा मोटर शो में शोकेस भी किया गया था। तो सबसे पहले हम बात कर ले इसके लुक्स और डिजाइन की, तो आने वाली मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा एक नए अवतार के साथ और काफ़ी मस्कुलर के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन लुक के साथ नजर आएगी, जिसमें कि आपको इसका नया एक्सटीरियर लुक, नया इंटीरियर डिजाइन, नया फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। इसमें काफ़ी कुछ एडवांस फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जिसमें इसमें आपको नया इनपुट सिस्टम और नया सनरूफ भी देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर ले इसके एक्सटीरियर फ्रंट लुक की, तो सामने की तरफ आपको एक नई सुजुकी की बेजिंग के साथ अट्रैक्टिव फ्रंट ग्रिल देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी प्रीमियम बनाएगी पहले से ज़्यादा विटारा ब्रेजा को। और साथ ही आपको न्यूरी डिजाइन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ नई LED DRLs, नए डिजाइन की टेल लाइट, सरफेस एंटीना, ORVM विद टर्न इंडिकेटर, SUV स्किड प्लेट फ्रंट एंड रियर में सरफेस एंटीना, रूफ रेल और टायर के साथ आपको R18 R17 इंच तक की बिल्कुल नए डिजाइन की स्टील व्हील या अलॉय व्हील की ऑप्शन जैसे फीचर्स आपको इसके एक्सटीरियर लुक्स में देखने को मिलेंगे। दोस्तों बताया जा रहा है कि नई SUV कार में आपको ड्यूअल टोन और मोनटोन कलर की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों ये थी इसके एक्सटीरियर लुक। दोस्तों वहीं अब बात आती है इसके इंजन पावर की, तो पहले जो विटारा ब्रेजा SUV कार के इंजन में जो इंजन आया करता था 1.3 लीटर इंजन था, लेकिन अब उस इंजन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, बिकॉज बदलते जनरेशन को देखते हुए जो नई जनरेशन विटारा ब्रेजा SUV अब जो इंजन आएगी वो रह सकता है 1.5 लीटर का मिड हाइब्रिड BS6 इंजन, जो कि 104 PS के करीब पावर और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और इस इंजन के साथ आपको दो ट्रांसमिशन की ऑप्शन देखने को मिल सकता है, जो कि मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक होगी। और वहीं आप इसकी माइलेज की बात करो तो इसमें आपको मैनुअल के साथ 17.3 किलोमीटर प्रति लीटर के साथ माइलेज देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा सही होगी। और वहीं अगर इसके ऑटोमेटिक माइलेज में आपको 18.7 किलोमीटर प्रति लीटर की देखने को ऑटोमेटिक इंजन में माइलेज देखने को मिलेगा। दोस्तों जिनेवा मोटर शो में इस कार को शोकेस किया गया था, वहां इस कार को फोर व्हील ड्राइव की ऑप्शन में देखा गया था, लेकिन इंडियन मार्केट में जो कार SUV लॉन्च होगी वो फोर व्हील ड्राइव की ऑप्शन में नहीं आएगी, ये टू व्हील ड्राइव की ऑप्शन में ही आने वाली है। और अभी की विटारा ब्रेजा SUV में पेट्रोल इंजन की ऑप्शन भी देखने को मिलती थी, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विटारा ब्रेजा से डीजल इंजन की कमी देखने को मिलता था। लेकिन अब जो 2021 की मारुति सुजुकी विटारा ब्रेजा आ रही है, उसमें बताया जा रहा है कि पेट्रोल इंजन के साथ साथ आपको डीजल इंजन के साथ पेट्रोल हाइब्रिड इंजन की ऑप्शन भी देखने को मिलने वाली है, जो कि विटारा ब्रेजा SUV के चहेते थे उनको काफ़ी खुशी मिलने वाली है, जो कि मारुति सुजुकी के लिए काफ़ी सही होने वाला है। और ये डीजल इंजन की बात करें तो इसमें आपको ये डीजल इंजन 1.5 लीटर का डीजल इंजन होगा,
जो कि BS6 नाम के साथ 94 PS के करीब पावर और 225 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। और ये डीजल इंजन आपको ऑटोमेटिक के साथ साथ मैनुअल ऑप्शन में भी अवेलेबल होने वाली है। दोस्तों वहीं थोड़ा ध्यान दे इसके इंटीरियर की तरफ, तो 2021 मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा SUV कार के इंटीरियर को पहले के ज्यादा काफी स्पेशियस और काफी प्रीमियम बनाया गया है। इसके इंटीरियर फ्रंट में आपको 10 इंच के करीब इनपुट टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया जाता है, जो कि कनेक्टिविटी जिसमें आपको YouTube भी मिल जाएगा और स्मार्ट कनेक्टिविटी कन्वीनियंस के एडवांस फीचर को सपोर्ट करेगा, जिसमें कि आप अपने गाड़ी के हर एक फीचर्स को मैनेजमेंट कर सकते हैं। और साथ ही आपको न्यू डिजाइन सॉफ्टवेयर डैशबोर्ड के साथ एक नई स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी, जो कि काफी सॉफ्ट होगी और सुजुकी की बेजिंग के साथ लैस होगी। और ये स्टेयरिंग पावर स्टेयरिंग होने वाला है, यानी पूरा विंडो कंट्रोल और पूरा म्यूजिक कंट्रोल आपके हाथों में होगा। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में 7 इंच तक की डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कलेक्शन, जिसमें कि आपको सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही आपको इसके इंटीरियर में पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, वायरलेस मोबाइल फोन चार्जिंग, 5 सीटिंग अरेंजमेंट, हीटेड एंड वेंटेड सीट, वॉइस कमांड, सेफ्टी फीचर्स, कीलेस एंट्री जैसे फीचर्स आपको इसके इंटीरियर लुक्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक खबर निकलते आ रही है कि न्यू विटारा ब्रिजा SUV कार में सनरूफ की ऑप्शन भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों पहले वाली विटारा ब्रिजा SUV में ये सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन SUV के सेगमेंट में जो स्मार्ट फीचर्स आ रहे हैं उसे देखते हुए मारुति ने विटारा ब्रिजा SUV को काफी अच्छे से डिजाइन देने के साथ साथ एक मस्कुलर लुक दिया है। तो ये थे इसके इंटीरियर की फीचर्स। वहीं अब बात आती है इसके सुरक्षा कवच यानी सेफ्टी की, तो 2021 मारुति सुजुकी की अपकमिंग नेक्स्ट जनरेशन मारुति विटारा ब्रिजा SUV कार के सेफ्टी में आपको सेफ्टी फीचर्स भी इस SUV कार के काफी बढ़िया हैं, लेकिन अब जो आने वाली विटारा ब्रिजा है उसको और भी ज्यादा काफी पावरफुल बनाया गया है। बिकॉज इस कार को 4 स्टार की रेटिंग मिली है, बाकी सारे कार को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। तो इस बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि मिड क्वालिटी में विटारा ब्रिजा SUV काफी बढ़िया है। जो कि इस कार की बॉडी है वो आपको हाई स्टेनलेस स्टील बॉडी देखने को मिलने वाली है, और साथ ही आपको इसके सेफ्टी में 6 एयरबैग, 360 डिग्री व्यू कैमरा विथ रिवर्स पार्किंग कैमरा, हिल लॉन्च असिस्टेंट, डाउनहिल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक असिबिलिटी प्रोग्राम, एंटी थेप अलार्म सिस्टम। तो सेफ्टी के मामले में भी आपकी विटारा ब्रिजा काफी बहुत सही होने वाली है। और ये जो सेफ्टी के फीचर्स हमने आपको बताए हैं, ये सारे फीचर्स आपको टॉप मॉडल में अवेलेबल होंगे। आप जैसे जैसे बेस मॉडल में आते जाओगे वैसे आपके फीचर्स डिस्कवर होते जाएंगे। तो दोस्तों ये थे इसके सेफ्टी के फीचर्स। अब जो इसकी मारुति सुजुकी विटारा ब्रिजा SUV कार की लॉन्च होने वाली है, वो होने वाली है इंडियन मार्केट में 2021 के लास्ट या 2022 के फर्स्ट मंथ तक लॉन्च किया जाएगा। इसका सीधा सीधा मुकाबला महिंद्रा की XUV300, किया की सेल्टस, हुंडई की क्रेटा, निसान की मैग्नाइट जैसे शानदार कारों से कड़ी टक्कर होगी। तो फाइनली इसकी कार की प्राइस इंडियन मार्केट में एक अनुमान के अनुसार जो इसका बेस्ट मॉडल होने वाला है वो 8 लाख से शुरू होकर, स्टार्टिंग प्राइस इसकी बेस्ट मॉडल की 8 लाख से शुरू होकर 12 लाख तक की आपको इंडियन मार्केट में देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मारुति सुजुकी की नेक्स्ट मॉडल मारुति विटारा ब्रिजा SUV आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि ऐसी स्मार्ट कार की वीडियो मिले आपको सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।